नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके हम में। हम आप लोगों को आज जो चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जो हमारे एग्जाम में अपर लेवल से लोअर लेवल तक के एग्जाम में मस्ट है कि एक या दो क्वेश्चन मस्ट है कि आता ही आता है। ठीक है, तो जैसा कि माना भी गया कि चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा टफ भी चैप्टर होता है, लेकिन आप लोग देखिएगा इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करवाएंगे। ठीक है ना, तो पहले हम बात डिस्कस करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए दोस्तों क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा हमें ब्याज पर भी ब्याज देता है। अब वहीं पर अगर बात कर लिया जाए साधारण ब्याज का, तो केवल मूलधन पर ही ब्याज मिलता है। ठीक है, अब दूसरी बात रही, लेकिन आप बताइए कि जो पहले वर्ष का, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे वो हमारा साधारण ब्याज हो, हम बात करें जो चाहे पहले वर्ष का, जैसे एक बात हम केवल आपको बहुत ही जरा से हिंट देकर समझाना चाहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के दोनों के बारे में, कि जो पहले वर्ष का जो ब्याज होगा, मतलब एक वर्ष यानी पहले वर्ष का जो ब्याज होगा वो दोनों का सेम होगा। दोनों का क्या होगा, सेम होगा ब्याज। उसके बाद दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा कि इसका ब्याज बढ़ जाएगा और इसका ब्याज क्या होगा, वही का वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मूलधन पर ब्याज मिलेगा। बस ये हमें समझाना था। तो आज हम आपको जो टॉपिक बताने जा रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक क्या है समझिएगा, कि कैसे आज हम चक्रवृद्धि ब्याज से कैसे हम डायरेक्टली साधारण ब्याज निकालेंगे, कैसे हम साधारण ब्याज निकालेंगे डायरेक्टली। ठीक है, कैसे चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज निकालेंगे डायरेक्टली, और कैसे साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन और क्या बन जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में बड़ा कौन होता है, तो हम तुरंत क्या बताएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। क्यों, क्यों चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होता है, तो आप क्या बता देंगे तुरंत, क्यों, क्योंकि मूलधन के बाद जो ब्याज मिलता है ब्याज पर भी ब्याज मिलता है इसमें, जाहिर सी बात वो बड़ा होगा। और साधारण ब्याज क्या मतलब है, मूलधन पे ही हमेशा आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि कैसे चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज निकालना है और साधारण ब्याज से कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इंग्लिश में इसको कहते हैं CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसको हम क्या कहते हैं, SI। तो हो सकता है कि मैं क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूँ CI और SI, शॉर्ट फॉर्म इसका। ठीक है ना, तो अब ये समझेंगे कि CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, SI का मतलब साधारण ब्याज। ठीक है, तो देखिए हमारा पॉइंट्स क्या है, जैसे आपको क्वेश्चन भी हम देकर भी समझाएंगे, बिना क्वेश्चन के भी आप कुछ चीजें हम जैसे समझा दे रहे हैं आपको। जैसे सपोज में क्वेश्चन में हमारे पास दे दिया कि जो 102 रुपया है वो हमारा CI है, CI दे रखा है हमें 102 रुपया, CI कितना दे रखा है 102 रुपया, और उसने कह दिया कि जो हमारा दर है, जो हमारा दर है वो हमारा दे रखा है 2%। दर कितना है, 2%। ठीक है, दर हमारा कितना है, 2%, और समय जो है वो हमारा भी है 2 वर्ष। ठीक है, तो हमसे CI देखिए दिया है, और हमसे पूछा गया कि SI क्या होगा, इतने ही दर के लिए इतने ही समय के लिए हमारा SI क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया ये, क्यों, क्योंकि आप CI से पहले मूलधन निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू जिसके कहते हैं, मूलधन निकालेंगे। मूलधन निकालने का आपको फंडा बताया गया होगा, या तो आप फार्मूला यूज करते हैं A = P(1+R/100)^(n-1)। आप समझ सकते हैं इसको सॉल्व करके, पहले आप मूलधन निकालिए। मूलधन निकालने के बाद लोग कहते हैं फिर SI कैसे, कि PRT/100, मतलब अगर कहा जाए तो ब्याज बराबर आप लगाएंगे मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटे 100। मतलब आप पहले यहां से मूलधन निकालिए, फिर आप जाकर के ये निकालिए। आप समझ सकते हैं कि हमारा टाइम यहाँ पे लॉस हो रहा है, लेकिन जो मेरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ओरली बिना पेन चलाए ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वो फंडा क्या है, तो मेरा ये फंडा ये है कि अभी हमने एक पॉइंट स्कोर आपको बता दिया था सिंपल सा, कि जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है और जो साधारण ब्याज है, ठीक है ना, पहले वर्ष का दोनों का ब्याज क्या होता है, सेम होता है। तो हमेशा जब भी कोई ऐसा पॉइंट आ जाए तो उसको हमेशा एक वर्ष में कन्वर्ट कर लेना। एक वर्ष में कन्वर्ट मतलब कि जो वर्ष है उससे भाग दे देना, 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2। आ गया, क्लियर। तो क्या करेंगे, अब केवल आपको हम समझा रहे हैं केवल कि जब इस तरीके का आ गया क्वेश्चन, इसको जैसे हमने कन्वर्ट कर लिया तुरंत 102 गुणे तुरंत परसेंटेज, चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है तो तुरंत 100 में इसको जोड़ेंगे, 100 में जोड़ेंगे कितना होगा, 101%। ठीक है ना, अब परसेंटेज अपने आप में कितना होता है, 100। दो चीजें हो गई, और एक चीज हमने भी और एक पॉइंट आपका डिस्कस ये किया था कि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बड़ा होगा किससे, साधारण ब्याज से। तो देखिए तो हमें निकालना क्या है, साधारण ब्याज, तो छोटा वाला ऊपर रखेंगे और बड़ा वाला नीचे रखेंगे, देन इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा आप। ठीक है दोस्तों,
तो हमारे पास जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन की हम आपसे बात कर रहे हैं, ये हमारे पास सीपीओ सीपीओ परीक्षा में 2013 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, मेरा लैंग्वेज आप ध्यान दीजिएगा। किसी धनराशि पर 2 वर्षों में 3% वार्षिक ब्याज की दर से सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 101.50 रुपया है, उसी धनराशि का उतने ही समय में उसी दर से एसआई मतलब साधारण ब्याज क्या होगा। तुरंत आ जाइए लैंग्वेज पे मेरे, तुरंत आप हमने क्या बताया था, पहले तुरंत सीआई लिख लीजिए, सीआई कितना दे रखा है 101.50 रुपया, ठीक है ना। इसके बाद हमारा जो वर्ष मतलब रेट जो दर है वो क्या परसेंट है, 3% है। जो टाइम टी है वो हमारा कितना है, 2 वर्ष है, क्लियर। हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तुरंत आइए मेरे फंडे पर, हमने क्या बताया था आपको, एक वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए। एक वर्ष में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, हमने बता दिया क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का पहले वर्ष के लिए दोनों का ब्याज क्या होगा, बराबर होगा, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको 2 एकम 2 और 2 3/2 ये कितना हो जाएगा, देखिए 3/2 डिवाइड करेंगे तो 1.5% कितना आ गया, 1.5%, क्लियर। परसेंटेज है, हमने कहा क्या परसेंटेज है, तो तुरंत इसको 100 में ऐड करेंगे, 101.5% हो गया ना, क्लियर। परसेंटेज है तो जाहिर सी बात है 100 आएगा। अब आ जाइए यहाँ पे मेन पॉइंट पे आते हैं कि एसआई देखिए कैसे निकालने जा रहे हैं हम, सीधा हमने सीआई लिख लिया 101.50 इनटू परसेंटेज है। ये बताइए अभी हमने क्या बताया था कि हमेशा जो सीआई होगा हमेशा एसआई से बड़ा होगा, तो तुरंत बड़े वाले को नीचे लिख रखिए और छोटे वाले को ऊपर, मतलब 100 ऊपर अपान 101.5 हो गया। तुरंत देखिए यहाँ पर क्या स्थान पर 0.2 है, 2 यहाँ पे 0.5 स्थान पर कितने पे चाहिए, 2 पर 0 बढ़ा दिया। अब देखिए 2.0 से 2.0 हट गया और इससे ये पूरा का पूरा कट गया, तो हमारा एसआई सीधे सीधे कितना निकल गया, 100, ये मेरा क्या होगा आंसर, समझ रहे हैं आप। ये क्वेश्चन देखिए आपने तुरंत सॉल्व कर दिया। अब इससे पहले हमें क्या करना होगा कि अगर हमें जिसे बताया जाएगा, पहले कहेंगे भैया इससे हम मूलधन निकालें, या तो आपको रेशियो तरीके से पहले मूलधन निकालना सिखाएं, 2-2 वर्ष के लिए बनाइए, फिर जाकर के आप साधारण ब्याज निकालेंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा टाइम लॉस होगा। लेकिन सीधा सीधा हम कैसे कर दे रहे हैं क्वेश्चन, आपने देखा, फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं मैं। सीआई दे रखा उसको रख लीजिए, रेट दिया है मतलब दर दिया उसको रख लीजिए, और जो समय दिया वो रख लीजिए, एक वर्ष में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब जो समय दिया है उससे डिवाइड कर दीजिए दर को, 2 एकम 2 और 1.5 गुना 3 यानी 1.5%, 1.5% परसेंटेज मतलब 100 में जोड़ के रखेंगे, 101.5% आ गया, क्लियर। बस तुरंत ये जो सीआई दिया वो रखिए इनटू, उसके बाद एसआई पूछा तो 100 ऊपर और इन दोनों में 100 और इन दोनों में जो बड़ा हो, ध्यान दीजिएगा मेरा पॉइंट, कि इन दोनों में जो बड़ा हो क्यों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बड़ा होता है किससे, साधारण ब्याज से, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो वैल्यू है जो रेट है वो नीचे और 100 ऊपर डायरेक्ट निकाल लिया आपने। अगर यही क्वेश्चन देखिए यहीं पे क्वेश्चन और क्या बन सकता है, जिसे हम बात करते हैं सिंपली किसी क्वेश्चन को हम बाय प्रूविंग भी करके देखेंगे कि अगर हमें इस बार हमने इसका क्या निकाला एसआई, अगर हमें दे दिया कि एसआई जो है वो 100 रुपीज है, क्लियर, एसआई कितना है 100 रुपीज है, और हमारा जो दर है, जो दर जो दे रखा है वो 3% है मतलब 3% है, और जो समय है 2 वर्ष है। अब इससे हमसे कहते कि आप भैया डायरेक्टली सीआई निकालिए, बन गया क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। तो हम कैसे करेंगे, फिर वही काम, एक वर्ष में कन्वर्ट करिए, 2 एकम 2 और 1.5 गुना 3 1.5%, इसको क्या करते थे याद करिए, 100 में इसको जोड़ते थे कि नहीं, तो 101.5 आ गया। अब आइए पॉइंट पे, सीआई निकालना है, एसआई कितना दिया है 100 इंटू, अब देखिए एसआई क्या होता है छोटा होता है, सीआई क्या होता है बड़ा, तो सीआई निकालना है, तो अब इस बार बड़ा वाला ऊपर अब परसेंटेज है तो 100 नीचे, इसको इसको काट दीजिए, देखिए सीआई कितना निकला 101.5, जो कि आप देख सकते हैं कि देखिए सीआई था 101.5 था, बिल्कुल 101.5, देखिए तभी सीआई भी निकाल दिया, और यहां से हमने क्या निकाला था एसआई 100, तो कैसे हमने सीआई से एसआई निकाला और कैसे एसआई से सीआई निकाला, हमने किया क्या, फंडा दोनों में एक ही है, हमने केवल क्या किया फिर से एक बार समझ लीजिएगा, हमने बताया हमेशा एसआई सीआई को कन्वर्ट करते समय, या एसआई सीआई को कन्वर्ट करिए या सीआई एसआई को कन्वर्ट करिए, हमेशा समय को एक वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए, एक वर्ष में कन्वर्ट करने का मतलब दर को भी डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए दर को, एक वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद जो 100 में जोड़ने के बाद दर जो होता है उसमें तुरंत ये देख लीजिए, अगर हमें एसआई निकालना है तो दर से जो छोटा वाला परसेंटेज है वो ऊपर और बड़ा वाला नीचे, और इसमें जब भी निकालना है तो बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे, क्यों बड़ा वाला ऊपर रखें, क्योंकि
सी आई बड़ा होता है और एस आई छोटा होता है। पॉइंट्स क्लियर। और भी क्वेश्चन हो आपको अभी करके इसका एक और क्वेश्चन दिखा रहे हैं, फिर आप देखिएगा। हाँ तो दोस्तों देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2,080 रुपया है, उसी धनराशि का उतने ही समय में उसी दर पर कितने उसी दर से एसआई मतलब साधारण ब्याज कितना होगा। तो हम आपको दोनों चीजें आपको सिखा रहे हैं बार बार, हम आपको क्यों बार बार इस तरीके से करा रहे हैं क्वेश्चन समझ सकते हैं आप, हम कैसे सीआई से एसआई निकाल रहे हैं, क्लियर, और कैसे हम एसआई से सीआई निकाल रहे हैं। क्वेश्चन एक ही है लेकिन हम दोनों चीज आपका करके इसको हम आपको प्रूव करना चाह रहे हैं कि कैसे हम ये दोनों चीजें निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो तुरंत आ जाइए, फंडा पहले नोट करिए। देखिए सी आई की जो बात करते हैं मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना दे रखा है 2,080 रुपया, तुरंत ये चीज नोट कर देंगे। जो दर है वो हमारा क्या परसेंट है 8% है, जो समय है वो हमारा कितना है 2 वर्ष है, क्लियर। हमें ये क्या है सी आई, हमें निकालना क्या है एस आई, इतना तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमें हमने क्या बताया था 1 वर्ष में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो 1 वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए जो समय है समय को स्वयं से डिवाइड कर दीजिए तथा जो दर है वो समय से डिवाइड कर दीजिए उसको। जैसे 2 से हमने डिवाइड कर दिया समय को स्वयं से, तो क्या वर्ष आएगा 2 × 1 = 2, 1 वर्ष बराबर 2 को 8, 8 बटे क्या करेंगे 2 डिवाइड कर दीजिए, तो 2 × 4 = 8, 4% आ गया। अब तुरंत पॉइंट पे आ जाइए, लिख दीजिएगा तुरंत 2,080 × 100/100 अब 100 में इसको हम क्या बताए थे जोड़ दीजिए जल्दी से कितना हुआ 104, इसको इससे काट दीजिए कितने बार गया 20 बार, और इन दोनों का गुणा कर दीजिए आंसर कितना आ गया आपका 2000 क्या निकला साधारण ब्याज, क्या निकल गया आपका साधारण ब्याज। देखिए क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया। अब जस्ट इसी क्वेश्चन को हम बनाने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन कि अब हमारे पास प्रूविंग देखिएगा कि एसआई 2,000 रुपया है, ठीक है, और जो हमारे पास दर है वो क्या परसेंट है 8% है, और जो समय है वो क्या है 2 वर्ष है। फिर से हमें इसका क्या निकालना है, उसने हमसे इस बार कह दिया कि सी आई इसका निकालिए, क्या निकालिए सी आई, ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि 2,080 रुपए का हमने क्या निकाला है 2,080 रुपए का एस आई निकाला है मतलब साधारण ब्याज, तो कितना आया है 2,000। अब 2,000 का अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो क्या निकलना चाहिए 2,080, प्रूविंग के लिए देख लीजिए। फिर से इसको 1 वर्ष में कन्वर्ट करिए, तो वर्ष को स्वयं से डिवाइड करिए 2 × 1 = 2, 1 वर्ष, इसको वर्ष से डिवाइड कर दीजिए 2 × 4 = 8, 4% तुरंत आ जाइए यहाँ पे 2,000 × 2। अब इसको 100 में जोड़ते हैं, हमने क्या बताया था आपको कि जो सी आई है एस आई से बड़ा होता है, इसलिए इस बार बड़ा वाला वैल्यू ऊपर और छोटा वाला वैल्यू नीचे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इनका गुणा कर दीजिए कितना आ गया 2,080 रुपया, ये क्या आ गया मेरा चक्रवृद्धि ब्याज, कितना आ गया इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, देखिए जल्दी से गुणा कर दीजिए 20 × 104 कितना आ गया 2,080 रुपया, इसका क्या निकला चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपने देखा कि हमने एक ही लैंग्वेज से कैसे दोनों चीजें निकाला, कैसे सीआई से एसआई निकाला और कैसे एसआई से सीआई निकाला। केवल आपको किस बात का ध्यान देना है कि जब हम सीआई से एसआई निकालते हैं तो छोटा वाला ऊपर रखते हैं और बड़ा वाला नीचे रखते हैं, और जब सीआई से और जब एसआई से हम क्या निकालते हैं सीआई, तो बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे रखते हैं, कभी भी आप क्वेश्चन गलत ही नहीं करेंगे। तो अब हम बात करते हैं बिना पेन चलाए भी हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा आप इसको मेथड हटा देते हैं, आप डायरेक्टली समझ लीजिए यही क्वेश्चन में क्या कर दे हम, देखिए डायरेक्ट कैसे करने जा रहे हैं इसको, तो आप अपने समझ सकते हैं कि हम इसको अगर डायरेक्ट काटे तो हम समझ जाएंगे कि 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 4% आया, 4% मतलब 104, 104 को इससे डिवाइड कर दीजिए तुरंत, तो तुरंत आपके दिमाग में आया कि भैया 2,080 है, 104 से डिवाइड कर दो जल्दी से, कितना आ गया 20, परसेंटेज क्या होता है 100, तुरंत 100 का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 2,000, डायरेक्ट आप कर दीजिए क्वेश्चन, समझ गए आप। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको कंसंट्रेट करके पढ़ते हैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या, ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि सर अगर वर्ष हमारा सही बटे में हो जाए फ्रैक्शनल पार्ट में हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही फंडा क्या निकालना है ऐसा ही निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, देखिए वही काम, सी आई कितना दे रखा है 5,300 रुपए, दर हमारा जो दे रखा है वो कितना है 15%, जो समय है टी जो है वो मेरा 2.5 वर्ष है, मतलब इसको लिख सकते हैं 2.25
5 वर्ष, 2.5 को क्या लिख सकते हैं, 2.5, बात वही है। तो कैसे लिखेंगे, 80 तक लिए 2 × 4 = 5/2 लिख सकते हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए 2.5%, ठीक है। हमने क्या बताया था, 1 वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए, 2.5 × 1 = 2.5 और 2.5 × 6 = 15, 6% आ गया। बस थोड़ा आ जाइए, देखिए क्या है, हमें क्या निकल रहा है, साधारण ब्याज। तो 5300 × 100/ ये क्या करते थे, 100 में जोड़ देते थे, 106, इसको काट दीजिए, कितने बार में कटा, 50 बार में, आंसर कितना आ गया, देखिए 5। कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर आपने जरा से भी ध्यान दिया तो प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो हम आपको अपने अगले वीडियो में ये लेकर के आते हैं कि क्वेश्चन में हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे देगा और हमें कैसे मूलधन निकालना है, कैसे मिश्रधन निकालना है और कैसे उसमें भी साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। तो एक साथ हम 3 क्वेश्चन लेकर के आएंगे अपने अगले वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर आपको लगे कि हाँ इससे मेरा टाइम का बचत हो रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमें ये पता चले कि मैं जो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। धन्यवाद।